खबर शहडोल से है। आरटीओ में भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर बस संचालक को प्रताड़ित किया जा रहा है। आरटीओ संबंधी कार्य के लिए आरटीओ शहडोल में घूस लिया जाता है और बस संचालक ने आरोप लगाया है, ऑनलाइन घूस देने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री समेत जिले के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले की शिकायत कर चुके हैं। शिकायतों के बावजूद भी सुनवाई व निराकरण नहीं होने से आहत बस मालिक ने आरटीओ कार्यालय के सामने आत्मदाह की चेतावनी दी है। शहडोल आरटीओ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मेरा नाम अजय कुमार साहू है, मैं एक छोटा सा व्यवसायी हूँ। हम लोग करीब 5 लोग शिकायत, एक अरविंद सिंह नामक व्यक्ति जो प्राइवेट ऑपरेटर है यहाँ, उनका 5 लोग शिकायत किए थे सीएम माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय। उस दिन से आरटीओ साहब मेरे को प्रताड़ना चालू कर दिए। बाहर के मोटर वाले बुला के मेरे को, मेरे आगे पीछे परमिट, मेरे आवेदनों में कोई विचार नहीं किया गया है। जबकि मैं आरटीओ साहब से कई बार निवेदन भी किया सर मेरा, लेकिन उनने मेरे को प्रताड़ित कर बेइज्जती कर रहे हैं, मिलते नहीं हैं। और जब भी कार्यालय आता हूँ, अभी भी कार्यालय आया लेकिन कोई यहाँ है नहीं, महीनों महीनों नहीं आते। और घूस कई बार उनका डिमांड रहता है इनके लिए, जो कि मैं फोन पे से दिया हूँ, उसका मेरे पास रिसीव्ड है पैसा, परमिट के लिए है और आई फार्म रिलीज के लिए दिया गया पैसा, जो कि अरविंद नामक व्यक्ति से इनका वसूली एजेंट है, वसूली कराते हैं। अगर मैंने माननीय सीएम साहब, माननीय परिवहन मंत्री और माननीय प्रमुख सचिव, कलेक्टर महोदय, एसपी और कमिश्नर, एडीजी साहब और एसडीएम साहब से भी गुहार लगाई है कि मेरा न्याय दिलाया जाए, अगर न्याय नहीं मिलती है तो मैं आत्मदाह करने में मजबूर हूँ।